आईबीपी टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान बेग का सलाम कबूल कीजिए। कुछ एक दो तीन दो ढाई हफ्ते की ताखीर के साथ हाजिर हूँ, माजरत कबूल कीजिए। कुछ आँखों में तकलीफ थी लिहाजा हाजिर नहीं हो सका। पिछली किस्त में हमने बलूचिस्तान की हमदर्द खवातीन के हवाले से कुछ बातें की थी। आज मैं हमदर्द या फिलैंथ्रोपिस्ट जो इंसानियत के हैं उन मर्द हजरात उनके हवाले से बात होगी, जिसमें अव्वलिन तो अगर हम देखें तो फ़सीह इकबाल मरहूम, अगरचे वो पेशे के अतबार से बहुत बड़े सहाफ़ी थे और उनके दो अखबार बलूचिस्तान टाइम और ज़माना, अंग्रेज़ी का बलूचिस्तान टाइम था और उर्दू का ज़माना अखबार था, वो निकाला करते थे। लेकिन बहुत से लोग ये जानते हैं कि बलूचिस्तान के कई सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जिनकी तालीम के अखराजात, जिनकी क्वेटा में रिहाइश के अखराजात उन्होंने बर्दाश्त किए। वो बहुत सी यूनिवर्सिटियों के बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी के रेक्टर और सेनेटर भी रहे, सेनेट में भी शामिल रहे और इस हवाले से भी उनकी खिदमात काफ़ी हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के वो नौजवान जो मुस्तहिक थे और उनके साथ अगर कहीं ज़्यादती होती तो वो उनकी मुलाजमत के उसूल उनके हक के लिए भी आगे बढ़ते। कई लोगों को और उसका उनका नाम उन्होंने जाहिर नहीं किया, ताकि उनमें से बहुत से खुद ऐसे दोस्त थे कि जिन्होंने ये बताया कि किस तरह वो हमारी मदद करते रहे। ये बहुत कम लोगों में होता है। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो वो आम मामलात में कोई ज़्यादा शाह खर्च नहीं थे। हाँ ये ज़रूर था कि वो उनको बड़ी दावतें करने का बड़ा शौक़ होता था, खुसूसन दुनिया की मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अमरीका के प्रेसिडेंट से लेकर दूसरे लोगों के साथ उनकी ज़ाती तस्वीरें और वो उस बात का सबूत है। लेकिन अमली आम मामलात में वो कोई फजूल खर्च नहीं। फिर सबसे अहम शख्सियत तालीम के हवाले से और जिन्होंने तालिब इल्मों की मदद की और अपनी जेब से भी और लोगों के जो वो तामीर नौ के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी साबिक प्रोफेसर फसल हक मीर थे। आप यकीन कीजिए कि उनका उन्होंने जितने शोबों में काम किया और उनके पास लोग आते और फीसें उनकी माफ़ करना, उनके यूनिफॉर्म वो करना, लोग उन पर इतबार भी करते थे। खुसूसन यहाँ मैं ज़िक्र करूँगा इनफाक फाउंडेशन का कि उनके सरबराह और दूसरे यहाँ आए और उन्होंने भी बहुत मदद की। लोग उनके कहने के ऊपर वो करते थे। एक ज़माना था कि जब बलूचिस्तान की सरकार में बहुत से अच्छे लोग शामिल होते थे, खुसूसन ब्यूरोक्रेसी वगैरह में, तो वो भी मुस्तहक तलबा की मदद में पेश होते थे और आगे बढ़ते थे। और उन्होंने भी पैसे, मेरे ख्याल अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों तालिब इल्म ऐसे होंगे जो उनके पास पैसे नहीं थे, जो फीस नहीं दे सकते थे, यूनिफॉर्म नहीं ले सकते थे, किताबें नहीं दे सकते थे, वो ना सिर्फ पढ़े बल्कि आज बड़े आला ओहदों पर फायज हैं। और ये सब जो है अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन इंसान वसीला बनता है। 70 की दहाई में, गालबन 72-73 की बात है कि एक फैमिली रहती थी मोतीराम रोड के ऊपर, आबिद रज़ा और खालिद रज़ा कुछ ऐसे भाई थे। वो डॉक्टर थे आबिद रज़ा, नौजवान थे लेकिन क्या अच्छे लोग थे कि शाम को 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उनके यहाँ जो बच्चे थे उनको वो ट्यूशन मुफ्त पढ़ाया करते थे। वक्त अगर खाने का हो जाए तो बस बच्चे खाना भी खा लिया करते थे।
क्वेटा में, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन ये है कि अब उनके बेटे हैं तामिर नौ कॉलेज के भी पढ़े हुए, उनके वालिद थे मलंग होटल यहाँ 3 टाइम, आज भी जो है वो लोगों की कतार होती है और लोग खाना खाते हैं, मुफ्त खाना खाते हैं। कुछ तो उस होटल वाले का अपना वो हिस्सा है और कुछ ही है कि लोग अपनी तरफ से खैरात के तौर पर जो पैसे होते हैं वो दे जाते हैं और उससे ये सिलसिला चलता रहता है। इसके अलावा कुछ लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने एक हमदर्दी का बख्शा था, जिसमें मेरे प्यारे दोस्त मरहूम राहत मलिक, राहत मलिक के वालिद भी अपने वालदेन के एक ही बेटे थे, बहनें होंगी, लेकिन इसी तरह राहत मलिक भी अपने वालिद के एक ही बेटे थे, उनका आगे फहद भी एक ही बेटा है। उनके वालिद के पास 2-4 नुस्खे थे। एक नुस्खा तो ये था जो बाल झड़ होता है, ये इसका अब भी इलाज गलबन होता है, इसी तरह बुलबेरी, वो सब जो पालझर है उसकी अब तक सूरत हाल ये है कि उनकी दुकान के ऊपर 3 दिन या 4 दिन हफ्ते के मखसूस हैं वक्त पे वो लोग आते हैं और वो बिला मुआवजा बग़ैर किसी उसके उसको वो कर देते हैं। राहत मलिक मरहूम का मैंने देखा बहुत सख़ी थे, इल्म अदब की महफिलों के लिए वो बहुत खर्च करते थे, और उसके अलावा जो भी मुस्तहक आता बहुत कम मैंने देखा कि उनके पास से खाली हाथ जाता था, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए। इसी तरह एक साहब वो मिठाई वाले थे जिनका ज़िक्र मुझसे सलमान काजी साहब ने किया, जिनके वालिद फजल रहमान काजी हैं, खासी अब उम्र हो गई, अल्लाह उन्हें और ज़िंदगी दे, शायद 80+ हैं, और मेरे पास उनके पैगाम आते हैं, खुश होते हैं कोयटा कहानी की किस्तें सुन के। अब ये 35वीं किस्त भी उनके सामने पहुँचेगी इंशाल्लाह ताला। तो उन्होंने बताया वो हड्डी और उसका जोड़ का इलाज करते थे, मुफ्त करते थे। अभी भी कांसी रोड के ऊपर ये जो कन पेड़े निकल आते हैं, मॉप्स कहता है, बच्चों को ज़्यादा होते हैं, कभी कभार पहाड़ों को निकलते हैं तो बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं, उसके लिए वो कुमार है वो मिट्टी लगाता है, पैसे दे दिए तो ठीक, ना दे दिए तो ठीक। तो अल्लाह ताला इन लोगों को खुश रखे, ऐसे बहुत से अहबाब होंगे, लेकिन हाँ इसमें भी पारसी फैमिली मार्कर और ये जो रहे इनका बड़ा किरदार रहा है, अल्लाह इन सबको हिम्मत दे और ऐसे बहुत से लोगों को ताकत बख्शे, क्योंकि पारसी फैमिली ने ईदी सेंटर बनाने के लिए जगह मुफ्त फराहम की थी। शुक्रिया।